प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। रविवार को चेतन चौहान के निधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी चेतन चौहान जी के असामयिक निधन का व्यथित कर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम श्री चौहान जी के परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। आपको बता दें कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और योगी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगी रहे चेतन चौहान का रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में शनिवार को पीजीआई से रेफर किए गए थे। 11 जुलाई को चेतन चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कर दिया गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें गुड़गांव के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया था और तलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण से योगी मंत्रिमंडल में ये दूसरे मंत्री का निधन हुआ है। इसके पहले मंत्री कमल रानी का निधन भी कोरोना वायरस संक्रमण से हो चुका है। योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर एक आपात कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनके लिए अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे। दो बार लोकसभा का चुनाव जीतना 2017 में नौगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव जीतना और एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के जनसेवा के साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे, वह सदैव और यानी अविस्मरणीय रहेंगे। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री चेतन चौहान जी पिछले एक महीने से गुरुग्राम हरियाणा के मेदांता मेडिसिटी में उनका उपचार चल रहा था। यद्यपि उससे काफी उनको बीच में रिलीफ मिली थी, लेकिन परसों अचानक इस टिसिमिया में चले गए थे और तब से लाइफ सपोर्ट पर चल रहे थे। आज सायंकाल 5 बजे ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैंने स्वर्गीय चेतन चौहान जी के परिवार के सदस्यों के साथ अभी बातचीत की है। उनकी धर्मपत्नी जी से, उनके पुत्र से, पुत्र उनका मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता है और आज ही वह गुरुग्राम में पहुंचे हैं। कल से चेतन चौहान जी का अंतिम संस्कार होगा। अभी 7 बजे हमारी आकस्मिक कैबिनेट बैठक होगी तो हम इस संबंध में प्रस्ताव पारित करेंगे और दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।